विकास को रफ्तार देने के लिए यूपी में केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। योगी सरकार ने 2027 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय कर लिया है, जो तभी मुमकिन है जब बिना किसी लापरवाही के सभी योजनाएं तय वक्त पर पूरी हो। बावजूद इसके कई जिलों में योजनाओं की रफ्तार काफी धीमी है, यहाँ तक कि सरकार के पास जो शिकायतें मिल रही हैं उनका भी निस्तारण समय पर हो नहीं रहा है। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त चेतावनी। निकाय चुनाव से पहले भाजपा सरकार विकास के मुद्दे पर बड़ा संदेश देना चाहती है। सीएम योगी बार बार जिस डबल इंजन सरकार की दुहाई देते हैं उसको मजबूती से जनता के सामने पेश करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कई जिलों और विभागों में तैनात अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकार को चुभ गया है। अब सीधे मुख्यमंत्री ने ही ऐसे अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। सीएम ने साफ कहा है कि अगर लापरवाह अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। ये सही है, ये होना ही चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए जो विषय है और उसको कोई यदि उस पर लापरवाही करता है तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। आपका विभाग तो ठीक है, क्योंकि आपका विभाग अगर कहें तो उस लिस्ट में नहीं है। नहीं, हमारे विभाग में भी कोई इस तरह के हों तो उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। हमारा विभाग कोई अलग थोड़ी, अभी योगी जी का ही विभाग है, और यहाँ पर भी कोई अधिकारी इस तरह की गलती करता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सीएम योगी के रडार पर सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने सीधे कह दिया है कि अगर शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान नहीं होगा तो अधिकारियों की परफॉर्मेंस तय की जाएगी। दरअसल सीएम योगी शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली पर खफा है। उनके पास थाने से लेकर तहसील तक की रिपोर्ट पहुंची है, जिसके बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। दरअसल IGRS पोर्टल और जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है वहाँ तमाम शिकायतें पेंडिंग पड़ी है। अधिकारी उन शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने अब इसे लेकर साफ तौर पर ऐसे जो लापरवाह अफसर हैं उनको निर्देश दिया है और ये कहा है कि वो काम में सुस्ती ना करें, बल्कि हर जो शिकायत है उसका निस्तारण जल्द से जल्द करें। दरअसल मुख्य सचिव की तरफ से खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों को पत्र भेजकर उनसे हीला हवाली का कारण जानने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि IGRS और हेल्पलाइन की रैंकिंग में टॉप 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों पर गाज गिर सकती है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 विभागों में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, कारावार विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, इसके अलावा खेलकूद विभाग, प्राविधिक शिक्षा और न्याय से भी सीएम खफा हैं। आबकारी विभाग, नागरिक उड्डयन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग भी चिन्हित हुए हैं। वहीं अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ADG और IG रैंक की बात करें तो उसमें कानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसे नहीं, जो भी मामले संज्ञान में आते हैं उस पर जांच लिखते हैं और जांच होने पर कार्रवाई होती है। कितनों रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें अधिकारी भी आएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।